सौंदर्य को हमेशा से ही आकर्षण का पर्याय माना जाता है। यही वजह है कि फिल्मों में कलाकारों का सौंदर्य आकर्षण का केंद्र होता है, और जब यह बात अभिनेत्रियों पर आती है तो यह पैमाना और भी अहम हो जाता है, जिसकी बदौलत प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय जैसी विश्व सुंदरियों ने बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई। और आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे, ये 60 और 70 के दशक का वो चेहरा है जिन्होंने अपनी आकर्षक छवि और जानदार अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बना लिया। उस दौर की आम जनता तो क्या, बल्कि उस दौर के मशहूर प्रतिष्ठित अभिनेता भी इनके हुस्न के कायल हुआ करते थे। भूरी आंखों वाली ये अभिनेत्री, जिन्हें एक दौर में स्टंट क्वीन भी कहा जाता था, इनका नाम है मुमताज। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इस प्यारी से मुस्कान और खूबसूरत चेहरे का कायल उस जमाने में भला कौन नहीं रहा होगा। फिल्मी दुनिया में ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी शुरुआत तो एक स्टंट अभिनेत्री के रूप में की, लेकिन देखते ही देखते बॉलीवुड की रोमांटिक अदाकाराओं में शुमार हो गई। तो आज नारद टीबिन के जीवन सफर के पन्नों को पलटते हुए आपको इनके निजी जीवन, संघर्ष सहित इनके कई अनसुने किस्से आपसे साझा करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीबी। बला की खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्कारी और माता का नाम शदी हबीब आगा था। इन्होंने अपने शुरुआती जीवन से ही दुनिया के कई रंग देखे। इनके जन्म के महज एक साल बाद ही इनके माता पिता का तलाक हो गया, जिससे इनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। अभिनेत्री बनने की चाहत इनमें बचपन से ही थी, और परिवार की आर्थिक तंगियों के चलते इन्हें महज 12 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा। शुरुआत हुई 1958 की फिल्म सोनी की चिड़िया से, जिसमें ये बाल कलाकार की भूमिका में नजर आई। फिल्मों में सक्रिय होने के बावजूद इनके सफल अभिनेत्री बनने का सफर इतना सहज नहीं था। बताया जाता है कि शुरुआती दिनों में ये अपनी छोटी बहन मल्लिका के साथ स्टूडियोज के चक्कर लगाया करती थी और किसी भी तरह के छोटे मोटे रोल के लिए राजी हो जाया करती। काफी मेहनतों के बाद फिल्मों में कोई गुमनाम सा किरदार मिल जाया करता था। हालांकि इनकी माँ और चाची पहले से फिल्मी पर्दों पर सक्रिय थी, लेकिन वो दोनों भी एक सहायक कलाकार ही थी, जिसे उनके लिए मुमताज का फिल्मों में सिफारिश कर पाना नामुमकिन था। फिल्मी पर्दे से जुड़ने के बाद मुमताज को जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन पर्दे पर स्क्रीन टाइम काफी कम होने के वजह से दर्शकों द्वारा कभी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह ये अपने करियर के अच्छे बुरे वक्त का दामन थाम कर चलती गई, और करवट बदलते वक्त के पहलू से एक ऐसा वक्त भी आया जिसने इनकी किस्मत बदल दी और रातों रात इन्हें अपने सपनों के मुकाम के करीब लाकर खड़ा कर दिया। इन्हें फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम करने का मौका दारा सिंह की 1963 में आई फिल्म फौलाद में मिला। इसे मौका नहीं, सौभाग्य कहना ज्यादा उचित होगा, और इसके पीछे का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। एक समय तक रेसलर से अभिनेता बने दारा सिंह के साथ कोई बड़ी अभिनेत्री काम नहीं करना चाहती थी। वजह थी दारा सिंह की लंबी कदकाठी, और जब उस टाइम की सभी मशहूर अभिनेत्रियों ने इनके साथ फिल्मों में काम करने के लिए मना कर दिया, तब डायरेक्टर महमूद हसन की नजर 5.5 फीट की मुमताज पर पड़ी, और उन्होंने फौरन ही दारा सिंह से उनके अभिनेत्री के रूप में मुमताज खान के लिए सहमति मांगी। इस पर दारा सिंह ने कहा कि उन्हें अपने फिल्मों में किसी भी अभिनेत्री से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, मुझे मुमताज के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस यहीं से मुमताज का नाम जूनियर आर्टिस्ट से एक अभिनेत्री के रूप में शुमार हो गया, जिसका जिक्र मुमताज ने अपने एक साक्षात्कार में भी किया। मुमताज ने कहा कि कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया, क्योंकि उनके साथ फिल्में करने के बाद मुझे अच्छे ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। दारा सिंह के बाद मुमताज की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ खूब जमी। उन दिनों राजेश खन्ना भी सफलता की राह पर चल पड़े थे। फिल्मों में दोनों को साथ देखने वालों में जबरदस्त होड़ मची थी। फिल्म दो रास्ते की सफलता ने इन्हें हिट जोड़ी बना दिया। 1969 से 74 तक इन दो कलाकारों ने सच्चा झूठ, अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी 8 शानदार फिल्में थी, जो उस समय सुपर हिट रही। और इसके बाद मुमताज को एक नई पहचान के साथ एक नई उड़ान भी मिल गई, जो उन्हें उनके चाहत के मुकाम तक ले गया। आलम यह हो चुका था कि उस दौर के नामी सितारे, जो कभी मुमताज का नाम सुनकर उनसे परहेज करते थे, वो अभी उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित रहने लगे। ऐसे सितारों में शम्मी कपूर, देवानंद, संजीव कुमार, जितेंद्र और शशि कपूर भी शामिल थे। आप इस बात से ही इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं, जब इनके कायल दर्शक ही नहीं उस जमाने के बड़े सितारे भी हो गए। जैसा कि हमने बताया कि मुमताज अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार थी। उनकी खूबसूरती को लेकर एक किस्सा यह भी मशहूर है। मुमताज जब 18 साल की थी, तभी
अभिनेता शमी कपूर ने उन्हें शादी का प्रस्ताव भी दिया था। मुमताज भी उस वक्त तक शमी कपूर को दिल दे बैठी थी, लेकिन शमी चाहते थे कि मुमताज अपना फिल्मी करियर छोड़कर उनसे शादी करे, लेकिन मुमताज को अपने प्यार को अपने सपनों के तराजू में तोलना मंजूर नहीं था। और इस तरह मुमताज और शमी कपूर के मोहब्बत का यह किस्सा मुकम्मल नहीं हो सका। इनके जीवन में और भी कई यादगार चर्चित घटनाएं रही हैं। इनकी दरिया दिली का एक किस्सा कुछ ऐसा है जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। बात उस समय की है जब फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन उनके सहायक अभिनेता थे और अमिताभ उनकी मर्सिडीज कार को काफी पसंद करते थे और उसे खरीदना भी चाहते थे। जब यह बात मुमताज को पता चली तो उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चाबी अमिताभ बच्चन को दे दी और स्वयं अमिताभ की साधारण कार ले ली। खूबसूरती और दरिया दिली की ऐसी अद्भुत मिसाल काफी कम ही देखने को मिलती है, इसलिए मुमताज जी को ब्यूटी विथ ए गोल्डन हार्ट कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुमताज ने अपने छोटे से करियर में काफी नाम और शोहरत कमाया। कहते हैं ना कि इंसान के जिंदगी की कहानी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मुमताज के फिल्मी करियर में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। इन्होंने अपने 27 साल की उम्र तक 100 से भी ज्यादा फिल्में कर ली थी, जिनमें दो रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन, रोटी, फौलाद, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, बॉक्सर, जवान मर्द जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनकी बदौलत मुमताज ने अपनी सफलता के शीर्ष को छुआ। उस समय के लगभग सभी बड़े नाम फिल्मों के जरिए इनसे जुड़ चुके थे। जहां दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम को दर्शकों ने खूब पसंद किया, वहीं फिल्म तागे वाला में ये राजेंद्र कुमार के साथ नजर आई। एक दिलचस्प वाक्य ये भी है कि शशि कपूर ने फिल्म चोर मचाए शोर के स्टार कास्ट में मुमताज का नाम न देखकर फिल्म ही छोड़ दी। मुमताज को फिल्म में साइन किए जाने के बाद ही शशि कपूर ने इस फिल्म को साइन किया। हमारा इन सब कहानियों का जिक्र करने का मकसद अपने दर्शकों को ये बताना है कि मुमताज अपने दौर के शीर्ष अभिनेत्रियों से कम नहीं थी। कहा जाता है कि ये उस जमाने में 2.5 लाख फीस लिया करती थी, जो इनके समांतर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बराबर थी, जो उस दौर के फिल्मी दुनिया में इनके रुतबे को दिखाता है। इन्होंने अपने करियर की आखिरी फिल्म 1974 में आई नागिन की। इस फिल्म में मुमताज की गेस्ट अपीयरेंस की भूमिका थी, जिसके लिए इन्होंने 8 लाख फीस लिया। इसके बाद इन्होंने फिल्म जगत से संन्यास ले लिया। इनका ये फैसला इनके निजी जीवन से प्रेरित था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यूं तो उपलब्धियां किसी सम्मान की मोहताज नहीं होती, लेकिन जमाने में उसे पुरस्कारों से तौला जाता रहा है। मुमताज को 1967 की फिल्म राम और श्याम और 1969 की दो फिल्म आदमी और इंसान तथा ब्रह्मचारी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और इसके अगले साल ही 1970 में आई फिल्म खिलौना के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 1996 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2008 में आईफा उत्कृष्ट योगदान मानद पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। अब हम इनके फिल्मी करियर को समेटते हुए इनके निजी जीवन के पन्नों पर रोशनी डालते हैं। सन 1974 मुमताज की जिंदगी में काफी अहम है, जिसमें इनके जिंदगी की रुख ने मोड़ लिया। इसी वर्ष मुमताज ने 27 साल की उम्र में गुजरात के व्यवसायी मयूर माधवानी के साथ शादी कर ली, जिसके कारण मुमताज अपना फिल्मी सफर छोड़कर पति मयूर के साथ लंदन चली गई। इनकी दो बेटियां भी हैं, जिनका नाम नताशा और तान्या है। शादी के बाद भी इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिसकी शूटिंग मुमताज ने शादी से पहले ही पूरी कर ली थी। इसके बाद भी इन्हें कई फिल्में और ऑफर हुई, परंतु इन्होंने मना कर दिया और अपने पारिवारिक जीवन को ही तवज्जो देना उचित समझा। हालांकि कुछ वर्षों बाद 1990 में वो बॉलीवुड की फिल्म आधिया में बंगाली सुपरस्टार प्रसन्नजीत की मां की भूमिका में नजर आई। इसके अलावा इन्होंने 2010 में आई अमेरिकन डाक्यू ड्रामा फिल्म A1 मिनट में भी खुद की ही भूमिका निभाई, यानी अभिनेत्री मुमताज की। इन्होंने अपने फिल्मी सफर के बाद निजी जीवन में भी कई समस्याओं का सामना किया। मीडिया खबरों के अनुसार 53 वर्ष की उम्र में इन्हें कैंसर हो गया था, जिसे इन्होंने मात दे दी है। हालांकि अभी भी इन्हें थायराइड की समस्या बताई जाती है। अफवाहों के दौर में एक ऐसी खबर भी आई थी कि मुमताज अपने पति से तलाक ले सकती हैं, लेकिन सौभाग्यवश वो अब भी अपने परिवार के साथ खुश हैं। सोशल मीडिया पर एक बार इनके मौत की भी अफवाह उड़ चुकी है। नारा टीवी इनके खुशहाल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।